तो हेलो पोकेमॉन फैंस, स्वागत है मेरे चैनल पर पोकेमॉन हिंदी इंडिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन वगैरह वगैरह नहीं करने वाले। आज के वीडियो में हमारे पास पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड एक कन्फर्म न्यूज आ चुका है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए बस वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये न्यूज पहुंच पाए। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही पोकेमॉन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए वो आप तक पहुंचते रहे। तो चले बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आप केतन कावा सर का ये वीडियो देख लीजिए, जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर डाला है। उसके बाद हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप केतन कावा सर को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में साइलन नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और सर इसी कैरेक्टर को अभी फिलहाल अपनी वॉइस दे रहे, यानी कि डब कर रहे। और इससे पहले भी सर ने कई सारे कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस दी है, जैसे कि काय एंड और भी बहुत सारे। तो अभी अभी कुछ ही समय पहले केतन कावा सर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डाला था, जो कि आप सब देख चुके हो। और है तो ये स्टोरी बहुत छोटा सा, लेकिन इस स्टोरी में हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमें लगा था कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के सारे सीजन्स, यानी कि सीजन 14, 15, 16 आज से ठीक 8 या 10 महीने पहले ही हिंदी में डब हो चुका है, यानी कि 2020 में ही हिंदी में डब हो चुका है। लेकिन जी नहीं, अभी तक पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग ऑन गोइंग है, यानी कि चल रही है। तो मुझे भी पता है, मैंने भी कहा था कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट पूरा हिंदी में डब हो चुका है, लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 2020 के टाइम में ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे थे कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब हो चुका है। और अब पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट हमें मार्वल एचक्यू पर 2020 के समर्स में देखने को मिलने वाला है। इवन काफ़ी सारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर भी ऐसा आ रहा था कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट अब मार्वल एचक्यू पर 2020 के समर्स में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट पूरा हिंदी में डब हो चुका है, इसलिए हमने आपसे कह दिया कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट पूरा डब हो चुका है। लेकिन अभी अभी हमें पोकेमॉन के डबिंग आर्टिस्ट से पता चला है, यानी कि केतन कावा सर से पता चला है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का डबिंग अभी भी चल रहा है। जैसा कि आपने सर के इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी पर देखा, सर अपनी स्टोरी के द्वारा हम पोकेमॉन फैंस को ये बताना चाहते हैं कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग अभी भी ऑन गोइंग है, यानी कि चल रही है। तो अगर आप सब ये सुनकर दुखी हो गए हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दुखी होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमें ये कन्फर्मली नहीं पता था कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब हुआ है या नहीं। बट इस बार हमें ये पता चल चुका है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग चल रही है। इसका मतलब है कि डिज्नी इंडिया यानी कि हंगामा चैनल और मार्वल एचक्यू पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को जल्दी लाने वाले। तो ये हम पोकेमॉन फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग चल रही है। इसका मतलब है कि हमें पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट फ्यूचर में टीवी पर 100% देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिज्नी इंडिया पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को डब कर रहे हैं, यानी कि वो फ्यूचर में पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को टीवी पर एयर करने के पूरे प्लानिंग्स भी कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है पोकेमॉन फैंस के लिए, और ये न्यूज़ सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुश होना चाहिए कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट अब डब हो रहा है। और अगर पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब हो रहा है, यानी कि हमें पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ही जल्द टीवी पर देखने को मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से शायद पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के काफ़ी सारे एपिसोड्स हिंदी में डब हो चुके हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा और पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का डबिंग ऐसे ही चलता रहा तो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट हमें इसी साल यानी कि 2021 के समर हॉलीडेज में देखने को मिल जाएगा। समर हॉलीडेज में यानी कि 2021 के मई या जून के मंथ में हमें पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिल सकता है टीवी पर, मार्वल एचक्यू या हंगामा चैनल पर, क्योंकि ज़्यादातर पोकेमॉन के न्यू सीजन्स को डिज्नी इंडिया समर्स में ही लॉन्च करते। तो हो सकता है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट भी हमें इसी साल के समर्स के मई या जून के मंथ में देखने को मिल जाए। तो सच में ये हम पोकेमॉन फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, जो कि हमें केतन कावा सर के इस स्टोरी से पता चला है। और केतन कावा सर ने शायद ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि उन्हें शायद काफ़ी सारे पोकेमॉन फैंस पूछ रहे थे कि क्या पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग हुई है या नहीं। तो शायद सर सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, और इसीलिए सर ने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया
और वो अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया ताकि सारे पोकेमॉन फैंस को पता चले कि अभी भी पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग चल रही है। तो अब आपको विश्वास हो चुका होगा कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग अभी भी चल रही है, और अगर सब कुछ ठीक रहा और डबिंग भी सही से चलता रहा तो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट हमें इसी साल के समर हॉलीडेज में देखने को मिल जाएगा। तो सच में हम पोकेमॉन फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया न्यूज है, जिसे सुनकर आपको ये वीडियो पक्का पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा ये वीडियो कितना ज्यादा पसंद आया है और आप पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को टीवी पर देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। और साथ ही में अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन तक भी ये न्यूज पहुंच पाए। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही पोकेमॉन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।